Hey guys, है गाइज़ असल एंड आई बैक विद माई टॉप फाइव ड्रामाज ऑफ द वीक क्या हालचाल हैं आप लोगों के बिफोर आई स्टार्ट द टॉप फाइव आई वॉन्ट टू मैं कोशिश करूँगी अब मैंने सोचा आई डो नो मैं कर सकूँगी यानी कि मैं किसी एक पुराने गाने किसी एक पुराने आर्टिस्ट किसी एक पुरानी पाकिस्तानी फिल्म या चले इंडियन भी हो सकती है उसके बारे मैं में मैंशन करूँ सो आज आई वॉन्ट टू मैंशन अबाउट फिल्म दो राहा so, आज, uh, जिसका गाना है मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे अगर आपने नहीं सुना है तो जाके सुनिए इतना ख़ूबसूरत है ये मेहदी हसन ने गाया है और ये वहीद मुराद पे पिक्चराइज हुआ हुआ है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड आई थिंक अली ज़फ़र ने भी इसको दोबारा गाया था इसकी बहुत सी वेरिएशंस भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी यूट्यूब पे um, मुझे लगता है बॉलीवुड की एक सक्सेस की वजह ये भी है कि वो अपने पुराने गानों को कभी भुलाते नहीं हैं अगर आप इंडियन पॉप आइडल ले लें ले या इंडियन आइडल ले लें ले ले या कोई भी ले लें तो वो अपने पुराने गानों को कितना प्रमोट करते हैं जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान में नहीं किया जाता है नॉट दैट के आई एम ट्राइंग टू डू दैट बट नॉट एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ दैट वे बी थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई हूँ ओके सो सो ये मेरी कोशिश है कि जिन लोगों को नहीं मालूम उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग डू लिसन टू इट स्पेशली इफ यू लाइक स्लो सॉन्ग्स चलें जी अब हम आते हैं um, टॉप फाइव पे टॉप फ़ाइव में सबसे पहले है नंबर फाइव पे वहम वहम के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं लेकिन वहम बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामा जिसमें साजिशें और uh, जिसमें प्लॉट्स um, हैं बट इट्स ऑल रिलेटेड टू माइंड गेम्स यू नो और वो ऐसी माइंड गेम्स हैं कि आप कहते हैं कि यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है सो इट्स इंटरेस्टिंग इट कीप्स यू एंगेज इस इस हफ़्ते की एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि जो ईशल इश, का कैरेक्टर है वो भी रुखसाना के अगेंस्ट थोड़ा सा खड़ा खड़ा हुआ और हम अब तक समझ रहे थे कि ईशल बड़ी यू you नो know, मासूम है शायद लेकिन एक दो चीज़ें जो उसने की इस बार के एपिसोड में विच मेड मी रियलाइज़ कि अच्छा ईशल इतनी सीधी नहीं है रुकसाना हैज़ अ कॉम्पिटिशन टू फेस विद इस बार की एपिसोड मज़े की थी इंटरेस्टिंग थी काफ़ी चीज़ें हुई ईशल भी अपनी गेम्स खेल रही है रुकसाना को थोड़ा सा धचका सो so वह मैं नंबर फाइव पे नंबर फोर पे हमारे पास से बखतावर एज़ कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू वीक्स मुझे लगा बख्तावर की एपिसोड बहुत स्लो थी नीचे चली गई कुछ हुआ भी और नहीं भी कुछ हुआ इंटरेस्टिंग um, थी मज़ा आ रहा था लेकिन अगर मैं कंपैरिजन में पिछली एपिसोड देखूं तो मुझे थोड़ी सी स्लो लगी थी और इतना कुछ होते हुए नहीं लग रहा था यमुना जैदी की एक्टिंग एज ऑलवेज वाज फैबुलस और uh, जो ट्विस्ट आया कि माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है वो दिलावर को कॉल कर रही है विल दिल आवर फाइंड आउट अबाउट बख्तू एंड नाउ बट मुझे लगता है अभी थोड़ा सा टाइम है सो बख्तावर इज़ एट नंबर फोर नंबर थ्री पे हमारे पास है मेरे हमनशीन Um, मेरे हम नशी का ये वाली की ये वाली जो दो एपिसोड थी बहुत इंटरेस्टिंग थी पूरी स्पीच जो um, खजस्ता की कैरेक्टर ने दी अबाउट कबायली तासुब बहुत सो ब्रिलियंट आई I मीन mean, मुझे लगता है हम लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं नहीं जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरी है बट ये बड़े इंपॉर्टेंट ईश्यूज़ हैं जो हमारे कॉलेज़ में एग्जिस्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं और हम अंडर एस्टिमेट करते हैं जो लोग थोड़े से पसमानदा इलाकों से आते हैं या कबाइली इलाक़ों से आते हैं एंड फिर पूरा जो दर जय खस्ता का इंटरेक्शन था एंड बाप ने जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने हसन को जो बोला उसके जो माफ़ी मांग रहे थे तो एपिसोड दोनों बहुत इमोशनल स्ट्रॉग और इंगेजिंग थी नंबर टू पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर फॉर मी इज़ मुसद मलिक दिस वीक फॉर हब्स ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड एपिसोड जिसमें बासित की जर्नी फ्रॉम नॉट केयरिंग अबाउट इज मदर टू रिग्रेटिंग दैट ही डिड नॉट गिव इज मदर चांस वो हमें पूरे उस जर्नी से लेके गए और बहुत सेंसिटिवली उन्होंने इस पूरी चीज़ को खेलाए um, जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो कहीं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक या ट्रैजिक डायलॉग्स नहीं थे ना ही ट्रैजिक सीन्स थे बहुत सटल उन्होंने बासित के एक्सप्रेशन भी रखे बासित का इंटरेक्शन भी रखा और उसका रिग्रेट और उसकी बिट्रियल को भी बड़े अच्छे तरीके से सटल लेकिन अफेक्टिव तरीके से वो हमें कम्यूनिकेट कर रहे हैं उसके अलावा जो पूरा आयशा का कैरेक्टर है उसकी कनेक्शन विद बासित दैट वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पोर्टेंट कि बासित आयशा की बात सुन रहा है उसको फ़र्क पड़ रहा है और आयशा उसको काम डाउन करिए एंड आयशा का भी जर्नी के फ्राम ब्लेमिंग बासित टू अपोलोलोलोलोलॉजाइजिंग तो आई रियली लाइक मुसद मलिक्स एग्जीक्यूशन ऑफ दिस होल ट्विस्ट uh, जो कि बहुत बड़ा इस वक्त स्टोरी में एक ट्विस्ट था कि बासित की माँ जा चले जाएगी मर जाएगी और बासित उस चीज़ से रिग्रेट में रहेगा और विल दैट हील हिम वी डोंट नो बट इट लुक्स लाइक कि शायद बासित को वो चीज़ें पता चलें जो उसको बहुत पहले पता चल जानी चाहिए थी मुझे इसलिए अच्छे लग रहे हैं मलिक uh, की एग्जीक्यूशन के इट्स वेरी सेंसिटिव वेरी सटल इट हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस। आपको गुस्सा भी आता है थोड़ा बहुत बासित के ऊपर या कभी उसकी माँ पे भी लाइक मुझे गुस्सा आ रहा था कि माँ क्यों नहीं बताती भाई बासित पे गुस्सा आ रहा था कि एक दफ़ा बैठ के पूछ तो लो फिर कहीं कहीं आपको बासित के लिए फ़ील भी होता है एंड uh, फिर बासित पे भी कभी कभी चिड़चिड़ती है आयशा के लिए आप कहते हैं भाई सास के लिए रो रही हो बासत को गिल्टी फील करा रही हो सो ही मेक्स एस गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस सो डायरेक्टर ऑफ द वीक इज़ मुस्तित मलिक फॉर हफ्स दिस वीक नंबर टू पे हमारे पास है मेरे हम सफ़र मेरे हम सफ़र की बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी um, थोड़ी सी मुझे लग रहा है ड्रैग है फिर भी हम इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज हम हालां हमजा से बोर नहीं होते लेकिन मुझे लगता है पिछली दो से तीन एपिसोड्स को कंबाइन करके एक एपिसोड बनाई जा सकती थी रूमी का ट्विस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा हमजा हालत थोड़ा हमारा पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं क्यूट मोमेंट्स भी थे लेकिन हमजा चले गए तो थोड़ी मुझे इरिटेशन हुई लेकिन वही बात है कि जर्नी हमारा चल रहा है दोनों के साथ और हम देख रहे हैं यह कहाँ तक पहुंचेगा और इस थर्सडे तो वी कान वेट टू सी कि हमजा के साथ क्या होने वाला है नंबर वन पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू फेरोज खान एज बासिफ फ़ॉर हब्स आई मीन मैंने आधी एपिसोड देखी थी एंड मैंने ट्वीट किया कि मैंने एपिसोड पूरी कंप्लीट भी नहीं की है एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय फिरोज परफॉर्मेंस इन दिस एपिसोड आई थिंक लास्ट नाइट्स एपिसोड बिलोंग टू फिरोज ओनली इट वाज कम्प्लीटली हिज गेम एंड ही वन इट यू नो बहुत ही ब्रिलियंटली इतने सटल एक्सप्रेशन थे जब वो जनाजा उठाने आता है बासित वो जो एक्सप्रेशन थे मतलब दिल को जाके लग रहे थे कि वो इंसान जो माँ के साथ उस वक्त टाइम नहीं गुजार सका अब वो रिग्रेट में जा रहा है वो क्वेश्चन कर रहा है अपने आप को और कहीं ना कहीं तो माँ से प्यार करता था ना माँ का लॉस उसे हिट कर रहा है और आई लवड इट कि कहीं हमने नहीं देखा कि हम बासित को ऐसे ज़मीन पर बैठे हुए रो रोते हुए देख रहे हैं और वो चीखें मार रहा है या बहुत जज्बाती डायलॉग नहीं इतना सटल खेले हैं फिरोज़ एंड अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन बिच जस्ट आपका दिल ना ऐसे पकड़ लेते हैं दूसरी बात मुझे फिरोज़ की ये अच्छी लगी कि जिस तरीके से उन्होंने बासित को परफॉर्म किया इस एपिसोड में एक जगह आपको बासित के लिए फ़ील होता है रियली फील होता है, है। दूसरी जगह आपको बासित पे थोड़ा सा होता भी है कि यार क्यों नहीं चांस दिया तुमने क्यों नहीं माँ की बात सुनी ये दोनों चीज़ों को जिस तरीके से वो बैलेंस कर करें विद इज एक्सप्रेशन इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कमेंटेबल फिरोज इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब ही मेक्स इज गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस ही मेक्स इज मुझे लगता है तो मुझे, मुझे तो वो बहुत ही मेक्स मी अंडरस्टैंड वॉट बासित इज़ रियली गोइंग थ्रू एंड मुझे Basit के कैरेक्टर में लगता है बहुत लेयर्स हैं और उन लेयर्स को इतनी खूबसूरत तरीके से हर लेयर को द फैक्ट के यू नो माँ को वो मिस करता है माँ के ऊपर उससे गुस्सा है शिकवा है उसको माँ से और माँ की केयर भी कहीं ना कहीं करता है जैसे वो आयशा को कहता है कि मैं इसलिए नहीं करता था कि उन्हें दुख ज़्यादा होगा फिर इतनी औरतों से कभी डील नहीं किया इतने रिश्तों से डील नहीं किया अब उसको एकदम से जंप लगाती है इतने रिश्तों इतनी औरतों में इतनी चीज़ें हैं और उसका अपना बिजनेस उस ही इज़ यूज़ टू बीइंग आइसोलेटेड अब आयशा आ गई है जो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की लड़की है उसको उससे समझने में टाइम लग रहा है तो बासित की ये सब फीलिंग्स को सब इमोशंस को फिर एक बहुत खूबसूरत तरीके से डिलीवर करते हैं एंड आई थिंक हम सब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं बेस्ट एक्टर फ़ीमेल गोज़ टू हानिया फॉर हाला इन मेरे हम सफ़र अगेन सच अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस जहाँ पे हाला का पूरा जर्नी था कहाँ वो दुख में थी कि हमज़ा मुझे छोड़ के जाएगा आएगा नहीं आएगा हमज़ा आता है हमज़ा उससे दो बातें करता है और फिर हाला इतनी खुश हो जाती है कि जाके अपना मेकअप लगाती है तैयार होती है फिर वो ज़मीन के के लिए खुश हो जाती है जब वो खुरम को माफ़ कर देती है एंड देन शी गोज़ इन टू अर टैंट्रम इन टू अर पैनिक अटैक जब उसको शाहजहाँ उसको आके उसके साथ माइंड गेम्स खेलती हैं एंड देखिए कितने डिफरेंट सीन्स हैं कितने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कितने डिफरेंट इमोशंस हैं फॉर हाला एंड हानिया डिलीवर्ड ईच वन ऑफ दैम ब्रिलियंटली you know um finesse फिनेस दैट हमें इतना लाइक like जब वो लिपस्टिक लगा रही होती है ना हम भी हाला के साथ मुस्कुरा रहे थे वी वर हैप्पी विद हाला कि ओ येस वी लाइक इट वी लव इट कि हाला जाके तैयार हो रही है हमजा के लिए और जितनी मुस्कुरा के मुझे वो मुस्कुराहट नहीं भूलती जो मुस्कुरा के दरवाज़ा खोल रही होती है ना एक्सपेक्टिंग हमजा टू भी दे आगे से कुरम मिल जाता है खोदा पहाड़ निकला चू वाली बात सॉरी टू से कुरम को चुहा नहीं बोल रही जस्ट यूजिंग दैट मुहावरा सो इफ लिस्ट जस्ट सो ब्यूटिफुली डिलीवर्ड दैन जिस वो पैनिक में जाती है मुझे लगा कि वो वो लड़की है जिसको अब्यूज़ किया गया है और जो विक्टम होता है ना जब वो उस माइंड फ्रेम में चला जाता है उस कॉर्नर में चला जाता है जहाँ वो बस डर जाता है पैनिक होता है उसको लगता है उसकी कोई मदद नहीं कर सकता वो जो एक, एक जुनून सा चढ़ जाता है और वह पैनिक का जुनून होता है वो हालाँ ने हम वो हानिया ने बहुत खूबसूरत तरीके से हालाँ का वो स्टेज डिलीवर किया सो आई रियली लव हानिया परफॉर्मेंस एंड It, she really makes us realize, realize again, just like Feroz, she makes us realize different emotions that Hala is going through. Number one, we have episode, Hubs episode was very interesting. It is was which was that uh, Basit lost his mother, and also Basit now realizes that maybe he didn't do the right thing. He's going through regret, he's asking questions, and uh, Aisha, Aisha Basit. कि जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत डायनमिक्स चेंज हो रहे हैं बासित तो और उसकी माँ जो कि अब जिंदा जिंदा नहीं है फिर भी उनकी डायनमिक्स चेंज हो रहे हैं बासित की अपनी जर्नी में क्या होने वाला है एज अ पर्सन उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं ये एपिसोड जो थी इस हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट uh, थी टू इस्टैब्लिश आगे जाके क्या होगा लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा वो इंटरेस्टिंग भी थी जब वो हॉस्पिटल से आ गई थी उसकी माँ तो मुझे नहीं लगा था कि कुछ होगा मुझे लग रहा था शीफ सर्वाइव लेकिन जब वो दूसरे दिन जाके देखता है तो शी हैड मास्ट अवे सो दैट वॉज अ बिट ऑफ अ शॉक टू मी बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी बहुत इमोशनल थी इंगेजिंग थी एंड परफॉर्मेंस इज वर्थ ग्रेट सो जी ये मेरे टॉप फाइव थे आप लोगों के टॉप सॉरी आप लोगों के टॉप फाइव कौन से ड्रामे हैं मुझे ज़रूर लिखिए मैंने तमाशा देखना शुरू कर दिया है आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग नॉट बैड आई थिंक एक थोड़ा सा ये होता है यू स्टार्ट वॉचिंग इट फिर थोड़े से आप यूज हो जाते हैं उसको देखने के लिए और काइंड ऑफ यू स्टार्ट वेटिंग अब ये क्या होगा वो क्या होगा अगर आप लोग तमाशा देख रहे हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए जाने से पहले फ्लड्स uh, पाकिस्तान में आए हुए बहुत बहुत बुरी सिचुएशन है uh, दुआ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जो चीज़ दुआ कर सकती है वो बाकी कुछ नहीं कर सकता सो so, दुआ जरूर कीजिए भूलिएगा नहीं हर चीज़ के लिए दुआ करें बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह इज़ द वन हु कैन चेंज एन एवरी थिंग सेकेंड जो जिस लेवल पे भी कर सकता है हमें उस चीज़ पे करनी चाहिए थर्ड लिटिल बिट बी ए लिटल बिट अवेयर ऑफ़ सर्टन थिंग्स जो लोग इस वक्त झूठ बोल के आपसे चीज़ें हथियारने की कोशिश करेंगे जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो लोग माल को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बेचेंगे अगर आप अगर आपके घर में कोई दुकानदार है अगर आप किसी भी किस्म की ट्रेड में इन्वॉल्व हैं तो अपने घर में ये ख्याल रखिए उन लोगों को जो आपके घर का हिस्सा है उनको ये समझाइए कि वो एक्स्ट्रा मत चार्ज करें अगर ऐसा कुछ होते हुए आप देखते हैं सो जस्ट फ्यू थाट्स दैट आई थॉट आई विल शेयर विद यू गाइस अपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू टेक केयर आई सी यू गाइस सोन अल्लाह हाफिज़